फेविक्विक का स्वाद कैसा होता है और कंघी में ये छोटे और बड़े गैप्स क्यों होते हैं। दोस्तों वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दो। नंबर वन, अगर एक्सपायर होने के बाद दवाई को खाया जाए तो दवाई से होने वाला फायदा बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जो दवाई के साइड इफेक्ट होती है वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों कोई दवाई ऐसी भी होती है जो कि एक्सपायर होने के बाद जहरीला बन जाती है। घरों में इस्तेमाल होने वाली आम दवाई बनाने वाली कुछ कंपनियां दवाई के एक्सपायरी डेट से कुछ समय पहले ही डेट लिख देती है, ताकि एक्सपायर होने के बाद भी कोई उसे खाए तो उसे कोई नुकसान ना हो। लेकिन ऐसा कुछ कंपनियां ही करती है। और एक महत्वपूर्ण बात, कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह के बिना दवाई नहीं लेनी चाहिए। नंबर टू, फोटो में दिखाई दे रहा यह शंख कोई आम शंख नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु जी का शंख पांच जनई है, जो कि आज तक संभाल कर रखा हुआ है। यह शंख इस वक्त श्रीलंका के कोलंबो नेशनल म्यूजियम में रखा हुआ है। नंबर थ्री, यदि आप गूगल में इस वर्ड को सर्च करते हो तो स्क्रीन थोड़ा सा दाईं ओर झुक जाती है। इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ट्राई जरूर करना। नंबर फोर, दोस्तों आपने कभी सोचा है कि कंघी में ये छोटे बड़े गैप्स क्यों होते हैं? दरअसल दोस्तों छोटे गैप्स वाला हिस्सा बाल को सेट करने के लिए होता है, यानी कि अगर आपको बाल बनाने हैं तो उसके लिए आपको छोटे तरफ वाला इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन वहीं पर अगर आपके बाल बड़े हैं और वो अगर उलझे हुए हैं तो बड़े गैप्स वाले हिस्से से आप उसे निकाल सकते हैं। साथ में जब भी आप नहाकर आते हैं तो आपको हमेशा अपने बालों को बड़े गैप्स वाले साइड से बनाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बाल कम टूटेंगे। और जब आपको कहीं पर बाहर जाना हो तो आपको कंघी के छोटे गैप्स वाले हिस्से का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर फाइव, क्या आपके दिमाग में कभी आया है ये फेविक्विक जो है इसका स्वाद कैसा होता है? तो देखो यार, अमेरिका में वैज्ञानिकों द्वारा की गई रिसर्च जो कि चिपकाने या जोड़ने के लिए इस्तेमाल आने वाले ग्लू पर की गई थी, उसमें यह पाया गया कि यह ग्लू जैसे ही हमारे जुबान पर गिरता है तो यह उसको जमाने लगता है। और फेविक्विक में तो केमिकल होता है, उससे हमारे जुबान के स्वाद छिद्र को हानि पहुंचती है और उस पर एक परत बन जाती है, जिससे हमें ग्लू के स्वाद का पता नहीं चलता। लेकिन वैज्ञानिकों ने इस सुपर ग्लू या ग्लू में मिले केमिकल के आधार पर यह बताया है कि इसका स्वाद हल्का खट्टा और तीखा होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।